हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेलवे क्रिकेट्स में। आज 11 अक्टूबर के तीनों शिफ्टों के सारे सेशन के एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, जीके के हो, रीजनिंग के हो, साइंस के हो, सारे के एग्जाम हो चुके हैं। और मैं ये वीडियो आपको लेके आपके पास लेके आ गया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, आपको देख ही रहे हैं फटाफट से। ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो लास्ट तक आपको देखने के बाद पसंद आता है तो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसको सारे भेजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में आपके RRB के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबेसिलस हो जाए आपका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन कौन सा है? अजंता की गुफाएं हैं सबसे प्राचीनतम स्मारक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे कौन है? तो सुरेश प्रभु हो जाएंगे आपके आंसर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। सारे के मंत्रियों के राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राज्य राजधानी, सारे के मैं लिंक दूंगा, उस सारे के सारे में एक ही वीडियो में सारा का सारा है डिटेल। पूरे भारत के राज्य राजधानी आपको मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कोई भी और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, लाल रक्त कण किस में बनता है? रेड ब्लड कॉर्पुकल बोलते हैं उसको। लाल रक्त कण किस में बनता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनता है हमारा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था हमारा 1576 ईस्वी में। तो आप ये इतिहास से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इतिहास से भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जो NaCl होता है उसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, प्योंगयांग की राजधानी क्या है? तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगी, सॉरी, नॉर्थ कोरिया की राजधानी हो जाएगी प्योंगयांग। ठीक है, आपको पढ़ लेना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या, मतलब कुछ, मतलब जो पहाड़ी जनजाति में वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, तो स्वीडन एग्रीकल्चर से बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। 286 सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो हम लोग उसको कैसे विभाजित करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे इसका? तो 286 मतलब 28 हो जाएगा, 10 और 6 16। ठीक है, ये आपको सल्फर का हो जाएंगे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। CEO ऑफ कैनरा बैंक, जितने भी CEO हैं उसको भी, उसका भी मैंने लिस्ट दिया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, CEO ऑफ कैनरा बैंक के क्या हो जाएंगे? राकेश शर्मा हो जाएंगे CEO ऑफ कैनरा बैंक के। ठीक है, संजू मूवी के डायरेक्टर, आज ही मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मुझे बताइए संजू मूवी के डायरेक्टर कौन, तो ये राजकुमार हिरानी जी हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी बनाई हैं, जैसे 3 इडियट हुए हैं, बहुत ही मतलब जितने भी अच्छे हैं ना, मतलब जो सोशियोलॉजिस्टिक और मतलब जो मोटिवेशनल है ना, वो ऐसी मूवी ये बनाते हैं राजकुमार हिरानी जी। तो संजू मूवी में, मूवी भी उसकी एक गाथा थी। आमिर खान को 2017 में कौन सा अवार्ड मिला था, किस मूवी के लिए अवार्ड मिला था? तो ये दंगल मूवी था जिसमें उन्होंने उनको अवार्ड मिला था। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 35.5, ये आपका क्लोरीन का हो जाएगा। सिर्फ क्लोरीन का ज़्यादातर पूछ रहा है, तो क्लोरीन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। आवृत सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आवृत सारणी की मैं भी एक लिस्ट में क्वेश्चन दिया हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, उसमें मतलब सारे के सारे हैं, आप उसमें भी से भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। CEO ऑफ एक्सिस बैंक, मैं देखिए CEO ऑफ कितने CEO बहुत आ रहे हैं ना, तो CEO देख लीजिए आप। CEO ऑफ एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं, CEO हैं एक्सिस बैंक के। ठीक है, युजवेंद्र चहल जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सॉरी राइट आर्म स्पिनर है, लेग ब्रेक बॉलर है जो भारत के, उनका नाम है युजवेंद्र चहल, वो क्रिकेट से संबंधित हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, और LPG का फॉर्म, फुल फॉर्म देख लीजिए, सारी का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये फुल फॉर्म में से एक क्वेश्चन, एक आप शिफ्टों में से शिफ्टों में पूछ दिया जा रहा है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? तो इक्काडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन, क्योंकि राज्यपाल का बारे में बोला। तो देखिए, राज्यपाल में मैंने एक लिस्ट, मैंने बोला ना कि डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दूंगा, उसमें से आप सारे के सारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य राजधानी सारे मिल जाएंगे, तो आपको इसकी भी राजधानी क्या, राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का भी नाम मिल जाएगा उसमें। ठीक है,
रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, तो तीनों शिफ्टों के रीजनिंग के हिसाब से इन जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब अपने कॉपी में लिख के आप इसके हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सिलोलिज्म से 4 से 5 प्रश्न आए हैं, एनालॉजी से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, इसमें इसी में से रोज के रोज इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग से आप देख लीजिए 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं मिला के तीनों शिफ्टों में, ठीक है ना। तो आप 6 से 7, एक शिफ्ट में 2 से 2 क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, कभी 3 क्वेश्चन पूछे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे हैं, और स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो कथन डिस्कस है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन से 5 से 6 प्रश्न, डायरेक्शन से 3 से 4 प्रश्न, और क्लॉक से आया है 3 प्रश्न, ठीक है ना। वाटर इमेज से आया है 2 से 3 प्रश्न, और ऑड वन आउट से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से 5 से 6 प्रश्न पूछा गया है। तो इतने हिसाब से, इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक से पढ़ लेना है, ठीक है। C6H6 का नाम जो कौन सा, इसका मतलब नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन का C6H6 का H6 फॉर्मूला का नाम है, ठीक है। दर्पण का सूत्र, जो दर्पण होता है ना, मिरर, मिरर का सूत्र जो होता है, 1/V = 1/U + 1/F, ये हो जाएगा दर्पण का सूत्र। रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कैसी होती है, तो रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब हो जाएगी आपकी उल्टी। जो रेटिना पे, हमारे आँख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होती है, वो उल्टी होती है। त्वरण की इकाई होती है m/s, मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चांदी का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 47। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। देखिए इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इतिहास को भी पूरा रट लेना होगा, ठीक है ना। और आपको आरआरबी के इतना क्वेश्चन कर लेना है कि कम से कम, मैंने इसकी भी लिस्ट दी है कि कितने कट ऑफ जाएंगे, कट ऑफ की कितना परमाणु होगा, और कितना मतलब आगे आने वाले दिनों में मतलब मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे 70 से 75 तक जाएगा जनरल का, 65 से 60 जाएगा आपका ओबीसी का, और ST SC का 50 55 में रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आप कम ही सकते हैं आपका। ये इसमें से जो 70 से 75 बोल रहे हो ना, इसमें से आपका 60 65 भी हो जाएगा आपका जनरल का, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, और बच्चे बहुत एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि सारे के सारे बच्चे 90 80 करके आ रहे हैं, और इसमें से कम 80 किसी का करेक्ट हो जाएगा, किसी का 85 करेक्ट हो जाएगा, तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, रेलवे बहुत सारे जॉब देगा इस बार, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, और आप आरआरबी में अच्छे नंबर से पास हो, ये मेरी आशा रहेगी, ठीक है ना। ये आशा करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और जितने भी वीडियो के अपडेट होगा वो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। चांदी का परमाणु, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 + 18, कितना हो जाएगा 30। तो 12 + 18 किसका, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 18 होता है, ठीक है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चांदी का परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 47। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है ना। HCL के चेयरमैन का नाम क्या है, तो HCL का चेयरमैन का नाम हो जाएगा C. नदार। चापानर जो मेला होता है वो कहाँ होता है, तो चापानर का मेला जो होता है वो लुधियाना पंजाब, ऑप्शन में दिया रहेगा पंजाब, तो आपको पंजाब टिक कर दे रहा है, ठीक है ना। लुधियाना पंजाब में ऐसे होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, गंगोत्री स्वच्छ मिशन कहाँ से शुरू हुआ, गंगोत्री स्वच्छ मिशन हुआ था आपका उत्तरकाशी से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो रंजन देसाई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम। 2017 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला था, शाहिद कपूर को मिला था। मैथ के कुछ शिफ्टों के, तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन है, टाइम ऑफ वर्क से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, पाइथागोरस सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए थे, बॉर्ड मास से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 4 से 5 प्रश्न, स्क्वायर रूट से 3 से 4 प्रश्न, और ऐसा यूनिट से 4 से 5 प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्री से 4 से 5 प्रश्न, परसेंटेज से 3 से 4 प्रश्न, और एज वेंजुरेशन HCL से भी कम से कम 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके मैं आपको स्क्रीन शॉट मान के बना देता हूँ, ये आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।